हे गाइस, इस वीडियो में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा एंड्रॉयड पाई को अपने मोटो जी टर्बो एडिशन में, और यही सेम प्रोसेस मोटो जी 3 के लिए भी है। वैसे तो एंड्रॉयड पाई के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन वो बहुत पुरानी हो चुकी है और उसके बाद से इसका काफ़ी नया वर्जन भी आ चुका है। एंड ये रोम उस रोम से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस रोम में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि उस रोम में नहीं थे। उसका नाम था पिक्सी ओएस एंड इस रोम का नाम है रेजुरेक्शन रिमिक्स। जिस पेज से भी जाकर आपको ये सारी फाइल्स डाउनलोड करनी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पेज पर जाने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये 3 फाइल दिखेंगी, इनको डाउनलोड कर लेना है। एंड जब ये सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएँ तो बारी आती है इंस्टॉल करने की। तो इसके लिए सबसे पहले अपने बूट लोडर में जाना है और फिर रिकवरी मोड में। एंड रिकवरी मोड में जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना डाटा को क्लियर करना है। जब डाटा भी क्लियर हो जाए उसके बाद बारी आती है रिकवरी फाइल को इंस्टॉल करने की। उसके लिए जो ऑप्शन है इंस्टॉल वाला उसमें जाना है, फिर आपको नीचे की तरफ एक IMG ऑप्शन है वो दिखेगा, उस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद रिकवरी वाली फाइल को फ्लैश करना है, और फ्लैश करते टाइम कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें से जो वेंडर वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में एक बार फिर से रिबूट कर लेना है। अब रिबूट होने के बाद अब वो रोम वाली फाइल को इंस्टॉल करना है। और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद गूगल्स ऐप वाली जो फाइल थी उसको भी इंस्टॉल कर लेना है साथ में। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो बाकी वीडियो देख सकते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियो बनाई मैंने इसके ऊपर। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो अपने फ़ोन को सीधा रिबूट कर देना है। वैसे तो ये फ़ोन एकदम डेड हो चुका था, क्योंकि इसकी बैटरी फूल गई थी और उसने PCB को तोड़ दिया था। पर जब मैंने इसकी बैटरी निकाली और एक पुरानी बैटरी थी मैंने उसको डाला और फिर से ये चलने लगा, मतलब मान गए इस फ़ोन को। इसमें अभी तक जाने की एंड्रॉयड पाई को इंस्टॉल कर पा रहा है, और अभी तो एंड्रॉयड 10 भी आ चुका है, क्या पता वो भी इसके लिए आ जाए। सबसे पहली बात मैं वोल्टी के बारे में बताता हूँ। मैंने एयरटेल की सिम डाल के देखी, एयरटेल की सिम तो चल रही है और उसमें LTE लिख के भी आ रहा है, लेकिन कहीं वोल्टी लिख कर नहीं आया। एंड जियो की सिम भी डाल के देखी, लेकिन जियो की सिम के नेटवर्क लगभग 5-6 सेकंड के लिए आए थे और फिर बाद में नेटवर्क आना बंद हो गया। तो एक बार अपने में ट्राई करके देख लेना, क्या पता मेरे में कुछ दिक्कत आ रही हो। वैसे भी ये पूरा टूट चुका है फ़ोन। कैमरा भी बिल्कुल सही चल रहा है, मैंने फ़ोटो और वीडियो क्लिक करके देखी है, तो कैमरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस रोम की कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो जब आप इस रोम के सेटिंग्स मेन्यू में जाओगे उसमें इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे कि मतलब इसमें हर चीज़ को ट्यून करने का ऑप्शन है। आप हर चीज़ का एनिमेशन चेंज कर सकते हैं, विंडो ओपन होने का या क्लोज होने का, यहाँ तक कि इसमें स्क्रॉलिंग एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं, अपने एक्सेंट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। क्विक सेटिंग्स पैनल में जो आइकन्स होते हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, और उनमें भी 10-11 ऑप्शन है लगभग। स्क्रीन लॉक होते समय कैसा एनिमेशन होना चाहिए, स्केल या सिक्योरिटी, उसके लिए भी ऑप्शन है इसमें, मतलब कि बहुत कुछ है। और आप अपने से ट्राई करके देखना एक बार इस रोम को, मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा एक बार अपने फ़ोन में ट्राई करके देखना इसको।